हमारे घर पे आने वाला एक बहुत ही स्पेशल स्पेशल गेस्ट, जिसको आप लोग भी देखना पसंद करोगे मे भी। तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है उनकी सारी, जो वो आएंगे जिनके लिए, तो खाना वगैरह बहुत ही स्पेशल बनने वाला है। तो ब्लॉग को वॉच कीजिए, बताना कौन आया है आज हमारे घर पे। एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और मेरी सोच के हिसाब से बताऊं तो सब लोग बहुत हैप्पी होंगे। और आप लोग बताना कि आप लोग कैसे हो, कैसे नहीं हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे बिल्कुल ना भूले, और अगर वीडियो पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अभी मैंने एक साड़ी दीदी के यहाँ पर छोड़ी थी तैयार करने के लिए, तो तैयार होकर आ चुकी है। उसमें फॉल लगवाई थी मैंने, कभी मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, पहन के दिखाऊँगी। और आज पहने हैं मैंने लहंगा लुगड़ी। क्यों पहने हैं? उसका एक बहुत ही खास रीज़न है। कुछ तो मेरे फैंस जो हैं, व्यूवर्स जो हैं यूट्यूब के, उनको बहुत ज़्यादा मेरे लहंगा लुगड़ी के जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो लहंगा लुगड़ी क्यों पहने, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैंने लहंगा लुगड़ी डाले हैं। और कौन से वाले पहने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले पहने हैं, तो ये वाले पहने हैं लहंगा लुगड़ी। और किसी ने मेरे से ये भी बोला था कि दीदी आप एक ही शर्ट में क्यों दिखते हो। इसलिए दिखती हूँ क्योंकि वो शर्ट मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इसलिए बाकी मेरे पास शर्ट कम से कम 7 से 8 शर्ट पड़ी होंगी, बट मुझे वही वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उसको डाल लेती हूँ सारे कपड़ों के साथ में। बट कोई बात नहीं, आप लोग बोल रहे हो तो मैं चेंज कर लिया करूँगी। अब आप लोगों के कुछ बातें मानना मुझे अच्छा लगता है, जो मानने वाली होती है वो चीज़ें। तो हमारे घर पे इतने स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो उनका स्वागत तो अच्छे से बनता है ना। और खाना बनाने की बहुत सारी तैयारी हो रही है, 15 से 20 लोग हो जाएंगे। तो खाना बन रहा है रसोई में, क्या क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी जाके, और बहुत सारा खाना बनेगा। और कौन आने वाला है वो तो आपको वीडियो कंटिन्यूसली आप अगर वॉच करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। तो कुछ लोग तो आ चुके हैं, जैसे राजकुमारी दीदी वगैरह, वो तो आ चुके हैं घर पर। जो मेन गेस्ट है वो आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो इस साड़ी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, इसके बारे में, जो कि मैं आपको कुछ दिन बाद में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। इसको जब पहनूंगी तब मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? बहुत ही अच्छी सी साड़ी है। तो आपको दिखाती हूँ कि रसोई में क्या बन रहा है, ठीक है? आज नन्नू मीना की रसोई में क्या बन रहा है वो दिखाऊंगी, ठीक है? तो नन्नू मीना बना रही है खाना, क्या बना रही है वो मैं आपको चल के दिखा देती हूँ अभी, ठीक है? और आज मैंने बहुत सारे अदिति और इनके टैडीज वगैरह गंदे पड़े थे वो वॉश किए हैं, बाहर टंगे हुए, और कपड़े वगैरह मम्मी उतार के ले आई है। और आज मेरी सास से भी मिलवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? कुछ लोगों ने मेरे से बोला था कि दीदी अपनी सास से भी मिलवाना, तो वो जरूर मिलवाऊंगी। तो आपको दिखा देती हूँ रसोई में पहले क्या बन रहा है आज, मीठा मीठा आप लोगों के लिए भी बन रहा है, ठीक है? कौन कौन आएगा मुझे कमेंट से। यहाँ पे चल्लर पार्टी की चल रही है, पढ़ाई सड़ाई, और इन दोनों लोगों को, गधों को भगाया जा रहा है यहाँ से। पर ये बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं ये लोग, और ये लोग जा रहे नहीं है हमारे रूम में से। निकलो दोनों, अद्दो और काना, गेट आउट। नानू हाय, नानू हाय, नो नो, अब इनकी पढ़ाई करता नन्नू, नन्नू इनकी, नन्नू इनकी पिटाई कर दो, पिटाई कर दो इनकी, धीरे से पिटाई कर दो दोनों इनकी। तो क्या कर रहे हो आप लोग? ये कोई सोने का टाइम है? और ये इंसान इन लोगों से पूरी तरीके से परेशान हो चुका है, पर इनकी इसकी बात नहीं मान रहे ये लोग, बड़े बदतमीज है तीनों, देख। या तो बिट्टू इनको मार देगी, या ये लोग इनको मार, या तो बिट्टू इनको मार देगी या फिर ये लोग इनको मार देंगे। तो आज की मेरी जो ड्रेस है वो ये पहना हुआ है मैंने, क्योंकि ऐसे ही लोग आने वाले हैं जिनसे घूंघट वगैरह करना पड़ेगा, तो उनके लिए ही स्पेशल मैंने ये ड्रेस पहनी है। तो मीणाओं की जो ड्रेस होती है वो आप कभी भी पहन सकते हो, शादी में पहन सकते हो, बर्थडे पार्टी में पहन सकते हो, कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें पहन सकते हो। और अदिति के लिए नई ड्रेस बनवाई है मैंने, ये एक लहंगे का कपड़ा जयपुर से लेके आए थे, ब्लाउज का कपड़ा। यहाँ पे बन रही है पनीर का मसाला पक रहा है अभी, थोड़ा सा दूर से मसाला लाइट कलर। क्या क्या बन रहा है बिट्टू आज खाने में? पनीर, पूरी, खीर और गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मैंने दिखा हमारा की फ्रीज में सर। और ये क्या है, ये किस में डालेगा? ये दादाजी के लिए दाल बनेगी, नाना जी के लिए। ओके,
और ये मटर डाल दिए हम तक, कितनी अच्छी लग रही है ना, मस्त लग रही है एकदम। क्या पता, और ये पनीर, हाँ इधर पनीर भिगो, हाँ पनीर भिगो के रखा है क्योंकि ये ना ज़्यादा टाइट सिक जाता है ना, उसके बाद में इसको हल्दी और नमक के पानी में डाल के रख दो तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है पनीर पहले के बजाय। ये प्यूरी, हाँ टमाटर प्यूरी और ये ननू की प्यूरी गुलाब जामुन खा के रीच। क्या पता, तो यहाँ पे सब्जी की तैयारी पहले से ही कर चुकी हूँ, आटा वगैरह लगा रहे हैं, यहाँ पे टिक्कड़ बनेंगे, पूरी बनेंगी, तो देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। मम्मी तो टिक्कड़ और पूरी की बोल रही है, बाकी डिसाइड करेंगे अभी। तू पजी पहन ला, खुल तो बुरी लग रही है। ये है अदिति की वो फाइनल ड्रेस जो कि हमने खुद ने बनवाई है। मेरे पास एक ब्लाउज का कपड़ा पड़ा था और ये लहंगे का कपड़ा हम लोग लेके ही आए थे मार्केट से 2 मीटर का, तो उससे काफ़ी अच्छी ड्रेस बन गई इसकी। इसको आप बर्थडे में पहना सकते हो, कहीं पार्टी में पहना सकते हो, कहीं पर भी आप पहना सकते हो, और बहुत ही सस्ता पड़ा है ये वाला जो ड्रेस है। अगर ये कि ये ड्रेस लहंगे वाला आप लहंगे कुर्ते वाला दुकान से लाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जो गेस्ट आने वाले थे वो गेस्ट भी आ चुके हैं अभी, तो चलते हैं अंदर। नहीं उसको मत ले, नहीं वो तो पागे थी, बराती मिलेंगे, हाँ, कोई बात नहीं था, एक ही बात है, मेरी तरफ से थोड़ी था। नहीं देते आप, क्यों टेंशन मत ले रे, जरा वैसे ना दे दे, मम्मी ब्लॉग बना रही है, बोल रही है। हां ये आप बना ले, हां आप देख लो, हां मेरे तरफ से बाबा ने गलती से क्यों हाय, मैं दिखाऊंगी आपको, एक दो दिन में डलेगा आपका वीडियो डालूंगी शादी वाला। बाय। हे एवरीवन, और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो शाम को मैं बिल्कुल भी सूट नहीं किया, वो लोग खाना खा के गए, उसके बाद इतना ज़्यादा रस हो गया था घर पे क्योंकि इतना सारा खाना बनाया था, और खाना बनाने के बाद जो बर्तन वगैरह क्लीन करने होते हैं, घर को मैनेज करना होता है, जो सामान फैला पड़ा था उसको अच्छे से रखना, तो वो ज़्यादा हो गया था रात को। तो इतना लेट में फ्री हुई थी 11:30 के समथिंग, तो इतना टाइम नहीं मिला कि आप लोगों से मैं बैठ के बातें करूँ। अब मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, आज नेक्स्ट डे है, तो वो लोग जा चुके हैं, शाम को निकल गए थे, मैं जो उन्हीं का वेट कर रहे थे वही स्पेशल गेस्ट थे कि जो कल आने वाले थे, तो उन्हीं की शादी हुई थी जिस दिन हम गए थे उनकी शादी में, आपने वो व्लॉग देखे ही होंगे, और वो दीदी काफ़ी अच्छी, उनका नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोनों का। तो अभी जस्ट मैं सारा घर का काम फिनिश करके, और अपना मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करूँ, कल का जो ब्लॉग है उसको एंड कर देती हूँ, एंड नहीं किया था मैंने, तो
शाम को इतनी मस्ती करी हम लोगों ने, खाना खाने के बाद बैठ के बातें करी, एक साथ बैठे खाना खाया और बैठ के बहुत सारे इन्जॉय की, बहुत सारी बातें जो पुरानी बातें थी वो ये बातें करी हमने, सभी लोग आए हुए थे। तो अभी मैं घर का काम फिनिश करके मैं सोच रही थी कि वो क्या लेके आए थे वो मैं आपको दिखा दूँ। वो मिठाई लेके आए थे, मेरी फेवरेट मिठाई लेके आए थे, मुझे बहुत पसंद है वो वाली, तो मैं आपको दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और कल इतना ज़्यादा काम हो गया था कि बता नहीं सकती। और सुबह सुबह जब अभी झाड़ू पोछा कर रहे थे तो एक साड़ी वाले भैया आ गए थे, मैं आगे क्लिप लगा दूंगी आपको। तो इतना लेट हो गए थे, मैं सुबह उठ के ही आपसे बात करने वाली थी, रात को भी करने वाली थी पर रात को कर ही नहीं पाई, इतना लेट हो गया था सारा फ्री करते करते। और बच्चे भी परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं सुबह भी बात करूँगी, रात को वीडियो भी एडिट नहीं किया आज मैंने, वीडियो भी अपलोड नहीं किया क्योंकि एडिट ही नहीं कर पाई तो अपलोड कहाँ से करूँगी। और जो साड़ी वाले भैया आए थे वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लेना ठीक है। और मैं उस दिन अपने घर गई थी, आप लोगों को पता है, तो मैं वहाँ से कुछ लेके आई थी, कैला देवी गए थे हम लोग, तो क्या क्या लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ लेके आई हूँ, और जो भी लेके आई हूँ आपको बहुत पसंद आने वाला है, और वो मैं बहुत दिन से लाने की सोच रही थी, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और लहंगा लुगड़ी इसीलिए पहने थे क्योंकि सभी लोग उनकी फैमिली में से आए थे बहुत सारे लोग, तो और साड़ी बहुत अच्छी अच्छी थी जो मैंने देखी, वो आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पर लगा दूंगी तो आप चेक करना ठीक है। कम से कम 15 से 20 लोग हम लोग हो गए थे, और इतना ज़्यादा खाना बना था तो सब फिक्स था, खाना वगैरह सब कुछ फिक्स बना था, ना ही कम ना ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा रहा वो। और क्या मिठाई लेके आया वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। लहंगा लुगड़ी पहन रखे हैं अभी भी, और अभी जा रही हूँ नहाने, तो नहा के आऊँगी, नहाने के बाद करेंगे दूसरे ब्लॉग की स्टार्टिंग। और ये दुपट्टा आज मैं लेने वाली हूँ जो कि मैं लेके आई थी, बहुत दिन नहीं हुए, 10 से 15 दिन हो गए तब लेके आई थी, तो आज ये मैं ओढ़ने वाली हूँ। और दिखाती हूँ आपको क्या मिठाई लेके आए थे वो लोग, इसमें क्या है, इसमें भी मिठाई, इसमें वो चॉकलेट थी ये वाली, ये आई थी इसमें, ये खा लो पहले, ये उसी में से तो निकालिए बेटा, नहीं उसी में से निकालिए बेबी, अभी रुको मैं देखती हूँ एक सेकंड, हाँ रुक जाओ, तो ये है मेरी फेवरेट मिठाई, एक आप ले लो, ये है मेरी फेवरेट, ये भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसका जो कलर, इसका जो कलर है वो कितना प्यारा है, और यहाँ पे अदिति भी खा रही है, काजू की बनती है, हाँ काजू की। तो इसका नाम क्या है वो मुझे आप लोग जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स करके मुझे तो इसका नाम, ये है मेरी फेवरेट वाली मिठाई जिसको मैं दिखाती हूँ आपको खोल के, और इसके ऊपर जो बनी हुई है वो भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बट इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपका क्या बताऊँ मैं, आप लोग पागल हो जाओगे मिठाई को देख के। तो ये वाली मिठाई मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ इस तरीके से है ये, और इसका क्या नाम है मुझे नाम नहीं पता इसका, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इसका नाम क्या है और इसको क्या बोलते हैं और ये किस चीज़ की बनती है, ठीक है। बनती तो काजू की, इतना तो मुझे पता है, बट ये नहीं पता कि इसका नाम क्या है। और इसकी कलर बताऊँ आपको तो देखो, ये देखिए इसका कलर लग रही है ना अच्छी, तो ये है वो मिठाई। और भी लेके आए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और दूसरी वाली मिठाई है ये वाली जो कि इसका भी नाम तो मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छी टेस्टी है बहुत ज़्यादा, और इसका कलर देखोगे तो कलर जो केसर होता है ना उससे और भी अच्छा लग रहा है, ऊपर से केसर का पानी डाला जाता है इसके ऊपर। और एक और लास्ट और फाइनली जो मिठाई है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, और इसके अंदर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, और इसका जो कवर है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, और इसकी पैकिंग वगैरह बहुत अच्छे से की हुई है, तो इसकी पैकिंग वगैरह बहुत अच्छे से की हुई है, और इसके अंदर जो निकला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसके अंदर निकली है अमूल की बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह जो कि अदिति और नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दोनों के लिए लेके आए थे, एक राजकुमारी दीदी को रख दिया मम्मी ने,
तो ये वाला मुझे अच्छा लगा, अदिति बच्चों के लिए लेके आए थे वो, और मिठाई पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई सारी। इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाते हो ना देखते देखते, तो इसको एंड करते हैं। बाय बाय।